और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। और आज आखिरी चरण है, सातवां चरण है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की चुनावी कवरेज भी लगातार आप देख पा रहे हैं। तमाम जिलों में तमाम रिपोर्टर्स मैदान में उतरे हुए हैं, वहां से पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो 9 जिले 54 सीटें 613 प्रत्याशी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। तो ऐसे में आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि 10 तारीख को किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कौन उल्टे पांव लौटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि इसमें तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे चंदौली की हम बात कर ले, चाहे जौनपुर की बात कर ले, मऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, सोनभद्र की बात करें, गाजीपुर की बात करें, ये वो महत्वपूर्ण जिले हैं जो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि सभी की निगाहें जो हैं इस पर टिकी हुई हैं। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बसपा, कांग्रेस, जो छोटे छोटे दल हैं उन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि छोटे छोटे दल भी गुणा गणित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सरकार को बनाने में, गिराने में छोटे छोटे दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुगलसराय विधानसभा से, जहां पर ईवीएम खराब हुआ है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय गोधना में ईवीएम खराब हुआ। दूसरी तरफ वाराणसी में लगातार ईवीएम की खराबी की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। बूथ संख्या 1758 में ईवीएम खराब हुआ है। ईवीएम खराबी की सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे हैं दक्षिण विधानसभा के कमलगढ़ा बूथ का ये पूरा मामला। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ईवीएम की खराब होने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में जो मतदान है वो भी बाधित हो रहा है, मतदाता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व, ऐसे में बढ़ चढ़कर मतदाता हिस्सा भी ले रहे हैं। तो अखिलेश यादव, मायावती ने ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। जरा वो ट्वीट भी आपको बता देती हूँ। तो उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश हरोश में भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है। जरा सुनिए, आखिरी चरण के मतदान के लिए सीएम योगी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाता गण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं जयंत चौधरी लिखा है कि नौजवानों, 12वीं पास करने के बाद इंटर में दाखिला मत लेना। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा और भी ट्वीट सामने आए हैं। अखिलेश यादव, मायावती ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने वोटर से अपील करते हुए कहा है कि नव शुभारंभ के लिए आज 7वें और अंतिम चरण में अपना वोट अवश्य डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। चरण है जिसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। दमखम जो तमाम पार्टियों का है वो हमने देखा है। ऐसे में तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ लगातार मऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, योगी आदित्यनाथ हो, जयंत चौधरी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अखिलेश यादव, मायावती हो, तमाम लोगों ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि अब आखिरी चरण है और आखिरी चरण में बढ़ चढ़कर मतदान करें। तो ऐसे में देखा जाए तो मऊ की तस्वीर क्या कहती है, देखिए अब करीब 9:20 हो चुके हैं, कितना वोटिंग परसेंट मऊ में देखा जा सकता है आसिफ? जी आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज तो अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ जो लोगों में जागरूकता है वो काफी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है लगातार जो है अपने अपने घरों से निकल करके वोटिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ वोटिंग करके आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगे, किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया है? अरे अपनी मोदी सरकार। अच्छा, नहीं मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या किस मुद्दे को लेकर क्या मुद्दा हो? अरे उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैंने उनको दिया है। मैं चाहती हूँ वही बनने। आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पे काफी उत्सुकता है लोगों में और लगातार जो है वो लोग वोट करने के लिए अपने अपने घरों से निकल करके वोट कर रहे हैं। जी
बिल्कुल आसिफ, इसके अलावा और भी मतदाता मैं देख पा रही हूँ, मतदान बूथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, फूल गुब्बारे, बहुत ही रंगीन माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, देखिए सेल्फी पॉइंट इस बार बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आम जनता जाती है और जो पहली बार मतदान करते हैं उन बच्चों में या नौजवान में कहें तो जागरूकता बहुत ज्यादा, उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे में जो 18 प्लस हो चुके हैं वो सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि आप भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनी हुई है और लगातार जो है लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और देख सकते हैं किस तरीके से लोग सेल्फी ले रहे हैं। बिल्कुल सेल्फी की होड़ यहाँ मची हुई है, बिल्कुल यहाँ पर सभी देख रहे हैं, स्याही का निशान दिखा रहे हैं और प्राउड वोटर के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो ये लोग किस तरीके से सेल्फी पॉइंट पर गए आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट से अपने अपने सेल्फी लेकर के वोट करके वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है डाल रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि लोग जागरूक हों और अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें। जी बिल्कुल, और देखिए आसिफ आप भी सुबह से लगातार बूथ पर बने हुए हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में मुद्दे भी लगातार आप बता रहे हैं, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो मऊ में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, मुद्दे तो वही है। देखिए हमने पिछले 6 चरण में भी यही मुद्दे देखे कि विकास के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, विकास मुद्दा है, लेकिन साइलेंट वोटर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मऊ में क्या लग रहा है, कितने परसेंट साइलेंट वोटर हो सकता है जो किसी भी पार्टी का पूरा समीकरण बिगाड़ने में बनाने में भूमिका निभाएगा? आसिफ मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताएं। आसिफ देखिए अगर साइलेंट वोटर्स की हम बात करें तो साइलेंट वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इस बार मऊ में, साइलेंट वोटर क्या कह रहा है, क्या लग रहा है? जी, आपको बता दूं जो साइलेंट वोटर है वो कुछ बोल तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो एक झलक जो है दे रहा है कि हाँ हमें उनको वोट करना चाहिए। अगर मऊ सीट की बात करें तो मऊ सीट की जो मदर सीट है वो काफी जो है चर्चित सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ से मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है, तो वही मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह का यहाँ पे जहाँ से वो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दो के बीच में है वो लगातार लड़ाई जारी है। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के माधवेंद्र सिंह है जो कि मैदान में उतर के तो लड़ाई जो देखी जा रही है वो त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और अश्विनी भी मेरे साथ लगातार बने हुए चंदौली से, अश्विनी चंदौली की एक तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं, अगर चंदौली को हम समझने की कोशिश करें तो आपने बखूबी समझाया क्योंकि इससे पहले भी आप मेरे साथ जुड़े थे, वहां की समस्याओं से आपने पूरी तरह से वाकिफ हमें कराया था। आम जनता अब क्या कह रही है क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है, 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मतदान शुरू हुए। जी बताना चाहेंगे कि अब कुछ ही देर में 2 घंटे के मतदान प्रतिशत का रुझान आने वाला है। आप देख सकते हैं कि बुरके में महिलाएं आ रही हैं वोट देने के लिए, घर की बहुएं घूंघट काट करके पहुंच रही हैं बूथों पर अपना मतदान करने के लिए। तो मतदान के लिए लोगों में जागरूकता है, उत्सुकता है और लोग देख सकते हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि कतार लगी हुई है और मतदान का कार्यक्रम चालू है। विशेषकर महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही है, सुबह में महिलाएं बढ़ चढ़ करके मतदान कर रही हैं। अश्विनी अगर महिलाओं का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं।